नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सारा का सारा क्रिप्टो मार्केट ग्रीन जोन में है। BTC अपने ऑल टाइम हाई पे है और पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट एक बुल रन के कगार पे खड़ा है, जहां से अब मार्केट को बुल में ही जाना है, मतलब ऊपर ही ऊपर जाना है, क्योंकि पिछले 2 साल के जो बियर फेज थे उसको हमने रिकवर करके फाइनली अब बुल रन में जा चुके हैं। और हम अभी आपको BTC के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमें बात करना है आइस नेटवर्क के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के डेट में आइस नेटवर्क 14% का मैसिव जंप लगाया है। 14% कम नहीं होता अभी, हालांकि ये 18% था, लेकिन होता है ना, जब भी एक बाउंस करता है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, तो ये अभी रिट्रेसमेंट जोन में है। जैसा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने आइस का 1 मिनट का चार्ट लगाया है। मैं इसे 5 मिनट के चार्ट पे देखूं तो देखिए कितना बेहतरीन बुल रन शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए पूरा अप ट्रेंड में है। अगर हम 15 मिनट की बात करें, 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बुल रन है। 30 मिनट के चार्ट पे जाए बुल रन है, 1 आवर के चार्ट पे जाए आइस ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। देखिए, जब आइस की सेलिंग प्रेशर भरी हुई थी मार्केट में, जिस समय आइस ने एक साथ अलाउ किया कि हम जितने भी लोग हमारे यहाँ माइनिंग कर रहे थे उन लोगों को एक साथ हम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, सारे के सारे आइस क्वाइन 30% काट के मैं एक साथ उनके जो भी प्राइवेट वैलेट है, ट्रस्ट हो, मेटामास्क हो, उसमें हम भेज देंगे। इन्होंने भेजा भी, भेजने के बाद अचानक क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आई और सारे के सारे लोग, एक्चुअली जितने भी माइनर थे वो इम्पेशेंस होते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने माइनिंग कर लिया, मेरे पास क्वाइन आ गया तो मैं उसे बेच दूँ। तो जब भी सेलिंग प्रेशर होता है मार्केट गिरता ही गिरता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जब सेलिंग प्रेशर आई थी कितना खतरनाक तरीके से मार्केट डंप हुआ था। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी थे, जिन्हें भरोसा था आइस की टीम पे कि ये अच्छा टीम है, ये अच्छा काम करेगा, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देगा, हमारे पैसे को इंक्रीज करेगा, हमारे क्वाइन को जो है अच्छा वैल्यू देकर जाएगा, जिन्होंने पेशेंस के साथ टिके रहा, अपने क्वाइन को सेल नहीं किया, वो आज देख रहे हैं कि आइस जो है एवरीडे 15% 16% का बुल रन दे रहा है। तो अगर दोस्त आपने भी आइस को जो है होल्ड करके रखा है, अगर आपने बेच दिया है तो आपकी च्वाइस है, आपको कंग्रेचुलेशन, आपने जो है पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, जो भी आए आपने उसको सेल किया, अपने पॉकेट में पैसे लिए और जो है खुश रहे, आप हैप्पी रहिए, इसमें ही हमारी खुशी है। लेकिन जिन भाइयों ने होल्ड करके रखा है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल इम्पेशेंस मत होइए, आप आइस के टीम के साथ जो है आप अपनी पेशेंस को मेंटेन करके चलिए, क्रिप्टो को होल्ड कीजिए। आप मैटिक देखेंगे सेम प्राइस में लॉन्च, जिस प्राइस में आइस नेटवर्क का अभी रेट है, सेम प्राइस पे पॉलीगन मैटिक लॉन्च हुआ था। आपको दिखा भी देता हूँ, आप होल्ड कीजिए, मैं आपको मैटिक की प्राइस बताता हूँ। मैटिक USDT, ये आप देख सकते हैं, मैटिक जब लॉन्च हुआ था यहाँ पे तो आपको प्राइस दिखता होगा ऑल टाइम लो 0.0063 है, जो कि अभी जो आइस नेटवर्क का प्राइस चल रहा है सेम उसके आसपास में है पॉलीगन मैटिक का प्राइस। तो उस वहाँ से देखिए इसने जब बुल रन स्टार्ट किया तो कहाँ पे, ये देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई है मैटिक का। अगर वीकली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो अभी जो है मैटिक का प्राइस ये चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, $1.22। तो जब मैटिक अगर 0.006 से बढ़ के जो है $2-3 हो सकता है तो आइस नेटवर्क क्यों नहीं हो सकता। आइस भी वहीं से स्टार्ट कर रहा है जहाँ से मैटिक, आइस की टीम अच्छी है, आइस के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। आपको अगर भरोसा नहीं हो तो मैं आपको डायरेक्ट आइस के वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वेट कीजिएगा, मैं आपको रीडायरेक्ट करता हूँ आइस के वेबसाइट पे। देखिए कितने सारे चीज़ आइस लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइस ने लिखा है, वी आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए सेकेंड।
एक सेकेंड में मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन, और जो है ये फास्टेस्ट चेन बनने वाला है पूरे क्रिप्टो मार्केट में। आप देख सकते हैं अभी के समय में सोलेना सोलोना को आप देख सकते हैं, सोलोना फास्टेस्ट है, मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन आइस का दावा क्या है कि हम सोलोना से भी फास्टेस्ट होंगे, इथेरियम से भी फास्टेस्ट होंगे, बिटकॉइन से भी फास्टेस्ट होंगे। तो आप सोच सकते हैं अगर इनके टीम ने जो बोला है सितंबर में इनका मेननेट लॉन्च हो रहा है, और मेननेट में इनका ब्लॉकचेन अगर सोलोना से बिटकॉइन से ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, तो डेफिनेटली आपको जो है सितंबर में ही 2 to 3 डॉलर जो है आपको आइस नेटवर्क का प्राइस होता हुआ दिखेगा। और अभी आप आइस नेटवर्क का प्राइस में देख रहे होंगे कि इतना अच्छा बूम क्यों मिला है, क्योंकि आइस की टीम ने अनाउंस किया है कि हम लोग इसी महीने में अपना टेस्ट नेट लॉन्च करने वाले हैं। एक्चुअली टेस्ट नेट क्या होता है, जब हम ब्लॉक चेन डेवलप करते हैं तो उस ब्लॉक चेन को पहले हम ट्रायल पे रखते हैं। तो ट्रायल पे जब यूजर उस पर टेस्टिंग करते हैं, क्वाइन को सेल बाई मतलब सेंडिंग रिसीविंग ये सब करते हैं ना, और जो ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर जो ब्लॉक चेन की कमियाँ होती हैं वो कंपनी को पता चलता है टेस्ट नेट के थ्रू, और उसे इम्प्रूव करके जो है एक फाइनल ब्लॉक चेन को डिजाइन करते हैं। तो ये होता है टेस्ट नेट। तो जो है टेस्ट नेट जो है आइस नेटवर्क का इस महीने में लॉन्च होने वाला है। फिर आगे हम आपको देखें आइस नेटवर्क का प्लानिंग क्या क्या है। तो आइस नेटवर्क डिजिटल आइडेंटिटी लॉन्च करने वाला है। भाई साहब ये डिजिटल आइडेंटिटी, जैसा कि हमारे पास आधार कार्ड है, आधार नंबर जो होता है ना वो हमारा एक आइडेंटिटी होता है, उसी प्रकार अगर क्रिप्टो करेंसी में जो है आप काम करते हैं तो एक डिजिटल आइडेंटिटी आधार ये आइस के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। उसी आइडेंटिटी के थ्रू आप किसी भी मतलब किसी एक्सचेंज में आप हो गए तो उस आईडी को डाले गूगल जीमेल की जगह, उस आईडी ने के थ्रू आप रजिस्टर्ड हो गए, या कोई बाई सेल किए उसमें इस आईडी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। उसके बाद जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम होता है उसी प्रकार आइस एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया डेवलप करने वाला है। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक का ऑनर जो है मार्क जुकरबर्ग है, ये एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप होगा जिसमें जो है अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है या कुछ भी करना है तो उसमें जो यूटिलिटी क्वाइन होगा वो आइस नेटवर्क का होगा। तो सोचिए अगर ये सोशल मीडिया लॉन्च हो जाता है तो कितने ज़्यादा डिमांड हो जाएंगे आइस नेटवर्क का। उसके बाद हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज प्रॉक्सी एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आइस नेट, ये भी लॉन्च होने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसका है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं हम लोग जो है गूगल वगैरह में जो है स्टोरेज करते हैं, वो भी ये लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइज डाटाबेस ये भी लॉन्च करने वाला है, यानी क्रिप्टो करेंसी की जितने भी डाटा होंगे उसको स्टोर करने के लिए आइस नेटवर्क का यूज किया जाएगा। तो इतने सारे अच्छे अच्छे प्लान हैं और ये धीरे धीरे करके मार्केट में ना एक एक चीज। उसके बाद आइस वॉलेट लॉन्च करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये एक आइस वॉलेट का लुक है जो हो सकता है 1 या 2 महीने में ये आइस वॉलेट ये लॉन्च कर दे। अब सोचिए इतने सारे अच्छे मतलब काम करने वाले हैं आइस नेटवर्क, तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली ये आइस नेटवर्क जो है वो 3 डॉलर 4 डॉलर या 5 डॉलर तक जो है आने वाले समय में लॉन्च आने वाले समय में जो है पहुंच जाएगा। और इसलिए भी मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि आइस का जो भी क्वाइन जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, और जो बचे हुए क्वाइन है वो ऑलरेडी जो है 5 ईयर के लिए जो है वो क्वाइन लॉक कर दिए गए हैं, यानी कि उसको जो है आइस के जो टीम वाले हैं वो भी चाह के जो है बेच नहीं सकते, वो लॉक हो चुका है ये लगभग जो है 5 ईयर के लिए। तो जो हमारे पास क्वाइन मार्केट में सर्कुलेटेड है, तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा अचानक से आइस के प्राइस को डंप करेगा, तो ऐसा नहीं कि टीम के पास भी जो है बहुत सारा क्वाइन है जिससे पंप और डंप का खेल खेल सकते हैं, नहीं, आइस टोटली डिसेंट्रलाइज है। सारे आइस अभी के समय में यूजर के पास है, हमारे आपके जैसे यूजर के पास। तो जब भी न्यूज आएगा, जब भी आइस का प्राइस अप होगा, तो हमारे जैसे यूजर को जो है उसमें प्रॉफिट होना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइस ने अपने क्वाइन मैट्रिक्स से पब्लिश किया है। यहाँ पे आप देखिए टोटल क्वाइन 21 बिलियन है,
और सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.3 बिलियन है। ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई, और ये करेंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है 0.0056, जो कि आपको आश्चर्य नहीं होगा अगले महीने में अगले अगले वीक तक जो है A10 को किल कर दे तो इसमें कोई मतलब सरप्राइज वाली बात नहीं है। अगले 1 वीक में जो है ये 10 डेफिनेटली किल करेगा, और आने वाले 1 से 2 मंथ में जो है या 3 मंथ में डेफिनेटली ये अपने सारे जीरो को किल करके जो है पॉइंट नंबर सिस्टम में आ जाएगा। टोटल मार्केट कैप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइस बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर आपने होल्ड करके रखा है आइस क्वाइन तो डेफिनेटली होल्ड करके रखिए, फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाला है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या होता है, पेशेंस आपका की होता है, आप पेशेंस रखे हुए हैं। कोई भी क्वाइन जो होती है ना वो महीना दिन नहीं मूव करेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर, लेकिन अचानक से एक मूवमेंट आएगा जब क्वाइन महीने दिन के अंदर में 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100x 10x मतलब 100x तक जो है वो ग्रोथ कर जाता है। वो 1 महीने में 2 महीने 1 से 2 महीने में इतने इतने ग्रोथ कर जाते हैं। तो जस्ट पेशेंस रखिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास आइस क्वाइन आपके वैलेट में पड़ा हुआ है, आपके पास पेशेंस नहीं है मार्केट के उतार चढ़ाव को, तो मैं आपको एक बढ़िया लेजिट एप्लीकेशन बताऊंगा जहां पे मैंने अपने आइस क्वाइन को जो है लॉक करके रखा। अगर आप चाहते हैं, आपने जो आइस क्वाइन जो है होल्ड करके रखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में मिला है अभी तक सेल नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं उस आइस क्वाइन को स्टेक करना, तो मैं एक लेजिट एक्सचेंज एक लेजिट प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे अपने आइस क्वाइन को 8 मंथ 9 मंथ जो भी हो XYZ उतने मंथ के लिए अपने हिसाब से आप वहां पे स्टेक कर सकते हैं, और स्टेक के बदले आपको 10 to 12% जो है आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो स्टेक करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप एक बार स्टेक कर दिए तो आप जो है उस आइस क्वाइन को 8 से 9 मंथ आप उसको सेल नहीं कर सकते, और सेल नहीं कर सकते तो डेफिनेटली ये सितंबर में जब हमारा मेननेट लॉन्च होगा तो उस वक्त हमारे आइस क्वाइन का अच्छा खासा प्राइस हमें मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आइस क्वाइन को स्टोर कर स्टेक करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको आइस स्टेकिंग पे भी एक वीडियो बना देंगे जहाँ पर आप अपने आइस क्वाइन को स्टेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं आपको बेहतरीन अपडेट आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करता रहूं।